सिवान जिले में खरीफ महाअभियान सह प्रशिक्षण कर्मशाला का आयोजन किया गया है, लेकिन आप तेलकत्तू पंचायत के कार्यालय में उपस्थित थे, इसका कारण क्या है? आपको तो सिवान जिले में रहकर लेना चाहिए था ट्रेनिंग, लेकिन आप यहाँ क्यों उपस्थित हैं? देखिए सर, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आज एक दिवसीय खरीफ महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम टाउन हॉल में कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, ये हमारे वरीय कृषि पदाधिकारी यानी जिला कृषि पदाधिकारी स्तर का मैटर है और हम लोगों के नियंत्रित पदाधिकारी हैं, उनका जो भी आदेश जारी होगा उसके अनुरूप ही हम लोगों को चलना है। हम लोगों को आदेश जारी होता है कि आपको भगवानपुर लगभग 60 किलोमीटर से ज्यादा होगा, 70 किलोमीटर के करीब में होगा जाना है प्रशिक्षण में, तो हम लोग अपने खर्चा से जाते हैं वहां। 200 से अधिक का पेट्रोल जलता है तो हम लोग जाते हैं। यहाँ आपको अभी हाल ही में नरेंद्रपुर में जीरा देवी प्रखंड में पड़ता है परिवर्तन एक संस्था है, वहाँ हम लोगों को प्रशिक्षण सह ये मेला में बुलाया गया था किसान सलाहकारों को, तो ये लोग तपती धूप में वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचे और सम्मिलित हुए। तो हम लोग जो वरीय पदाधिकारी का आदेश होता है उसके अनुरूप ही हम लोग पालन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बिहान ऐप है जिस ऐप पे हम लोगों का ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड बनाया गया है और उस पे सब कुछ डाउनलोड करना है, तो उसका प्रशिक्षण था, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का भी लेटर जारी हुआ और फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि आंशिक संशोधन पत्र का आदेश पत्र का आंशिक संशोधन किया जाता है कि किसान सलाहकार को नहीं जाना है, तो हम लोग नहीं गए। हम लोग पूर्व में विगत कह लीजिए 10-12 साल से ये आयोजन होता है, साल में दो बार खरीफ महाअभियान में कर्मशाला एक दिवसीय होता है और रवि महोत्सव में होता है, तो हम लोग जाते हैं। इस बार जो हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, हालांकि 38 जिला में सिवान जिला को छोड़ के बाकी सभी जिला में बुलाया गया है, तो ये वरीय पदाधिकारी का मैटर है, इससे संबंधित हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर कारण क्या है कि जो आप लोग किसान सलाहकार हैं और किसान सलाहकार बिहार के सभी जिलों में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और सिवान जिले में नहीं ले रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, हम कारण करना चाहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, किसान सलाहकार किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन आप तो अपने पंचायत कार्यालय पे है ना? लेकिन हमको जो आदेश नहीं निर्गत हुआ है, आदेश नहीं मिला है, तो हम वहाँ कैसे सम्मिलित होंगे? सिर्फ हसनपुरा प्रखंड का नहीं मिला है कि और प्रखंड का नहीं मिला है? नहीं, पूरे सिवान जिला को नहीं मिला है, पूरा सिवान जिला, सिवान जिले के किसान सलाहकार का ये लेटर जारी हुआ है कि प्रशिक्षण में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर लेटर निकलता कि जाना है तो सभी लोग पहुंचते, उपस्थित होते। सिवान छोड़कर और जिले में इसका मतलब क्या इश्यू है? सिवान जिला में देखिए, अब ये हम आपसे बता रहे हैं कि सिवान जिला के बगल में गोपालगंज जिला है, छपरा जिला है या अन्य जिला है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग देखे हैं लेटर में, तो इसके पहले सिवान जिला में भी निरंतर प्रशिक्षण में हम लोगों को बुलाया जाता था और हम लोग जाते भी थे, तो उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया गया तो नहीं जा सकते हैं, ये वरीय पदाधिकारी का मैटर है। देखिए, नियमावली कुछ और कहता है, होता नियंत्रित पदाधिकारी के स्तर से कुछ और होता है, तो हम लोग तो पदाधिकारी के अधीनस्थ हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको भी पता होगा कि हम लोग 8 घंटा कार्यरत हैं, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। नियमावली कहता है कि आप 6 घंटा कार्यरत हैं, आप एक प्रगतिशील किसान है, लेकिन हम लोगों को मजिस्ट्रेट में भी प्रतिनियुक्ति हो जाती है। हम लोगों का नियमावली कहता है कि आपको रहना है अपने अपने पंचायत में, गृह पंचायत में, लेकिन हम अब देखिए अनुमंडल भी मेरा बदल गया है। तो ये नियंत्रित पदाधिकारी का जैसे आदेश निर्गत होता है वैसा हम लोग पालन करते हैं। हम लोगों को 6 घंटा के, हम लोगों का कार्य अवधि 6 घंटा ही है, 6 घंटा के बदले एक राशि, निश्चित राशि 13,000 रुपया मिलता है,
अब उसमें जो लोग तो अपने पंचायत में उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग दूर के पंचायत के उन लोगों का तो 50% तो एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय कहते हैं कि आपको किसान सलाहकार की नौकरी करनी है तो आपको मोटरसाइकिल और एंड्रॉयड मोबाइल अनिवार्य रूप से रखना होगा, तो मजबूरी है। जिसके पास नहीं है वो अपना काम चलाता है, जिसके पास है वो अपना करते हैं व्यवस्था। जो वरीय अधिकारी है वो तो किसान के बीच में नहीं रहते हैं, किसान के बीचों बीच में तो किसान सलाहकार रहता है, किसान के हर सुख दुख में किसान सलाहकार रहता है। लेकिन आपको प्रशिक्षण में ना बुलाकर वरीय अधिकारी क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए सर, इस संबंध में ये वरीय पदाधिकारी का मैटर है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। वरीय पदाधिकारी जैसे आदेश देंगे हम लोग आदेशपाल हैं, उस अनुरूप ही चलेंगे ना। तो किसान के बीच में आप रहते हैं ना, रहते हैं तो अब इसके संदर्भ में किसान के हर एक समस्या से अवगत आप होते हैं, आपसे होकर वरीय अधिकारी के पास में जाता है। वो तो आपका कथन सही है, लेकिन हमको नहीं बुलाया गया तो अब हम उसमें वरीय पदाधिकारी नहीं बुलाया है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नौकिशोर सिंह उर्फ मृत्युंजय सिंह, किसान सलाहकार संघ जिलाध्यक्ष भी है, कार्यरत पंचायत कलपथुर।